नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ जितेंद्र कमल। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर चुनाव है, उसी को लेकर हमारी यात्रा निकल रही हाल है यूपी, और हम जाके सभी से बात कर रहे हैं, उनकी नब्जों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम कानपुर में हैं, और देखिए युवाओं का और सम्मानितों का हुजूम लगा हुआ है हमारे साथ। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि 2022 में इनकी क्या मंशा है और ये किस तरफ अपना पाला पलटने वाले हैं, या सरकार पलटने वाले हैं, या किसकी पसंद को आगे ले जाएंगे, इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं सरकार को बनाने के। तो बात करते हैं, शिक्षा मुद्दा होगा कि रोजगार मुद्दा होने वाला है, स्वास्थ्य मुद्दा होने वाला है, कोरोना ने कितना इम्पैक्ट डाला इनकी सोच पर, और देखते हैं। सभी युवा है हमारे साथ। आप भैया क्या नाम है आपका? नीरज सिंह नाम है हमारा। और आपको भैया? नीरज। अच्छा, दोनों लोग नीरज हो मेरे बगल। नीरज का क्या पर्यायवाची है भाई? नीरज का पर्यायवाची अब कमल जल नील यही सब पूछने का यही मेरा उद्देश्य था कि इसमें क्या नीरज का पर्यायवाची है, कमल है, और कमल की पार्टी की सरकार चल रही है। तो आप तो युवा हैं, आप बताएं भैया क्या मुद्दा लेके आप 2022 में जाना चाहते हैं सरकार की, क्या आप किस पे वोट डालोगे कि नहीं ये चीज होना चाहिए था, या इस सरकार में नहीं मिली, अगली सरकार जो हम चुनने जा रहे हैं उस पे ये मुद्दा हमारे लिए होना चाहिए? अब मुद्दे की बात करें तो सबसे अहम मुद्दे शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा को लेके, यही सब ज़्यादातर अहम मुद्दे होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोगों को वोट भी करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी और तीनों के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें अभी प्रेजेंट सरकार ने की हैं, और जहाँ तक कि वो स्वास्थ्य को लेके कुछ वैश्विक बीमारी की वजह से कुछ मतलब समस्याएं आई हैं, खैर ऐसा कभी तक आज तक हुआ भी नहीं था जिसमें उसकी वजह से भी कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन कई चीज़ें के मतलब सरकार इस समय काम कर रही है, और हम और लॉ एंड ऑर्डर के लेके भी सरकार काफ़ी ठीक है, और मतलब कई चीज़ें हमने पूछा नहीं आपसे कि सरकार काम अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, आप बस ये बता दें कि मुद्दा होने क्या चाहिए, हिंदू मुसलमान मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान तो नहीं होना चाहिए, ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए, मेन मुद्दे यही होते हैं पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, सब शिक्षा रोजगार होना चाहिए। आप सहमत है जी? वोटर हो कि नहीं हो, 18 साल के हो क्या? ना तो क्या क्लिक कर रहा दिमाग में कि नहीं जब जाऊंगा बटन दबाने के लिए तो वो सरकार वो वादे देखेंगे कि हाँ ठीक है इस वाले वादे से हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, परिवार का फ्यूचर अच्छा होगा, क्या देख के जाते हैं? उन्होंने काम किया है, हमारे बाबा जी योगी जी हैं, उन्होंने अच्छा, हमारे बाबा जी योगी जी हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं अच्छा काम किया है ना, और राम मंदिर बन रहा है अच्छे से, काशी भी उसमें चल रहा है अच्छा। तो मंदिर वाकई क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मंदिर वाकई मुद्दा होना चाहिए? आप क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, भाजपा सरकार मंदिर बनवा रही है, ये कह रहे हैं कि नहीं बाबा जी मंदिर बनवा रहे, तो मंदिर मुद्दा होगा क्या चुनाव का इस बार? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंदिर मुद्दा होना इसलिए चाहिए कि प्रत्येक धर्म में एक आस्था से जुड़ा हुआ होता है, हम ये कहें कि बहुत समय तक इसको गवर्नमेंटों ने टाला, जैसे कांग्रेस काल में, अन्य सभी सरकारों में, तो एक तरह से ये मुद्दा खत्म हो गया, मंदिर बन गया, अब इसका कोई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, लगातार चल रहा तो बनने जा रहा है, इसको अब बिल्कुल क्लोज कर दिया, मंदिर बन जाएगा, अब इस पर कोई डिबेट या कोई चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अब ये इसको कोई मुद्दा ही नहीं बना पाएगा, समस्या का समाधान हो गया। अच्छा, तो 2022 में मुद्दा नहीं बनेगा राम मंदिर? राम मंदिर मुद्दा 2022 में नहीं बनेगा। आप सहमत है? मंदिर मुद्दा होना चाहिए, मंदिर मुद्दा तो जो था वो खत्म हो चुका है, अब मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, रोजगार का। शिक्षा और रोजगार कैसे देखती है योगी सरकार को, शिक्षा और रोजगार के लिए? देखिए, हमने तो ये देखा है कि आजकल बहस तो बहुत सारे मुद्दों पर होती है, अभी देखो 175 करोड़ काला धन निकला, लेकिन कोई रोजगार पर और शिक्षा पर बहस नहीं करता। हमारे हिसाब से रोजगार एक विषय होना चाहिए कि आप आज हम रोजगार पे बहस करें, ये हमारा मतलब रोजगार को होना चाहिए। आप वोट करोगे रोजगार को, कितने अंक दोगे योगी सरकार को रोजगार के मामले में पिछले 5 साल में उन्होंने कार्य किए? रोजगार पे तो हम बहुत कम देंगे, क्योंकि इतना 10 में बता दो, चलो 10 में बताओ कितने दो? 10 पे हम देंगे, बहुत ज्यादा देंगे तो 3 अंक बस। योगी सरकार को रोजगार पे इस युवा ने 10 में सिर्फ 3 अंक दिए हैं, बढ़िया सा भगवा डाले बैठो भाई, आपके पास ही बैठ के बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? गौरव प्रजापति। क्या सोच रहे हो चुनाव के बारे में 2022 में, वोट डालोगे कि नहीं डालोगे?
आता ही नहीं है तो खाया बैठा दे कोई बात नहीं, आता नहीं है अभी आप वोट नहीं डाल पाओगे तो क्या लहर देख रहे हो लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में बैठते तो होंगे जाके ना, क्या देखते हो कि किस पार्टी का दौला चल रहा है? भाजपा का ही चल रहा है। चलो भाजपा का इसके अनुसार रौला चल रहा है और दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिख रहा है, दिख भी रहा है कि अरे क्यों छुपे हो, आओ जाओ बाहर आ जाओ। क्या नाम है आपका? हर्षित रावत। हर्षित रावत, वोट है कि नहीं इनकी तरह? मतलब वोट है नहीं हो आपका भी वोट नहीं, चलिए इनका भी वोट नहीं, इनसे बात नहीं करते हैं। और हमारे साथ एक शख्सियत बैठे, क्या नाम है भाई आपका? सौरभ। वोट है कि नहीं? वोट है। 2022 में आपके अनुसार क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रोजगार मुद्दा होना चाहिए, युवा हो तो रोजगार ही होना चाहिए। बिल्कुल, और कोई इसके अलावा मुद्दा? जैसे सब कहते हैं ना, बहुत से युवाओं से बात होती है बोलते नहीं, मंदिर भी हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए, हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए, और अच्छा भी मुद्दा हो गया है क्योंकि बहुत चीजें हो जाती हैं। आपके लिए क्या रोजगार? रोजगार होना चाहिए, और जो लोन प्राइम ज्यादा बढ़ रहा है तो इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। क्या बढ़ रहा है? प्राइम रेट जो है पिछली सरकार के अनुसार इस पे थोड़ा ज्यादा हो गया। क्राइम रेट जो है बढ़ा है ये बता रहे हैं, लेकिन आप अखबार को देखेंगे, टीवी को देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, सरकार ये बताती है क्राइम रेट घटा है। अक्सर हम जब लोगों के बीच में जाके बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि नहीं ठीक है, जो सपा सरकार में गुंडाई होती थी, दबंगई होती थी, उस पर थोड़ा सा लगाम लगा है। खैर अपनी सोच है इनकी, इन्होंने बताया कि क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा क्राइम डाउन भी होना चाहिए। अच्छा आप वातावरण को परख रहे होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या कहीं किसान आंदोलन कोरोना काल कुछ इम्पैक्ट डाल में चुनाव में? हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ता ही सकता, घटा होगा बीजेपी का इससे? हाँ प्योर होगा। देखिए युवाओं में थोड़ा सा रहता है एक, अरे आप इधर आओ, इनके इनको देखो पहले आप इनको देखो तो एकदम खेसारी लाल जैसे शख्सियत है इनकी, भोजपुरी जो सिंगर है एक्टर है उन्हीं जैसे लग रहे, लग रहे हो कि नहीं लगते? कोई बोलता है लगता है? तो आप, आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए 2022 में? और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए? और ये कि जैसे कि इन्होंने कोविड 19 में को ये सीन ये सब इन्होंने फ्री की, अब अदर सरकार होती वो पैसे से ही काम करती, ये कैसे कर सकते हो? अब इनके काल में आ गया तो फिर हो गया, वो तो फ्री करती ही करती, सब कोई होता करता ही नहीं। राजस्थान यहाँ पे है जहाँ पे SEC जाता है, रेप वहाँ पे जाता है, SST जाता है। यूपी के बाद यूपी में है, यूपी में इसमें देखिए क्राइम कम हुआ है, इससे कि रेप हुआ है और ये जमीनों जो नहीं जमींदार लोग होते हैं, दमंग लोग होते हैं वो जमीन घेर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। 2020 का रिकॉर्ड देख लिया, 2021 का देख लीजिए, इसमें सबसे जो पहले सपा की सरकार में यूपी में सबसे ऊपर हुआ करता था, तो अब ये सब नीचे आया, इसमें जीरो आया। डेटा आने बंद ही हो गए, सरकार डेटा दे ही नहीं रही है, जैसा कि मुझे आज तक पता है 2017 के बाद से कोई डेटा नहीं दिया है, 19 में भी कुछ आया है, 20 में दिया है, 20 में दिया है, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद इन्हें देखा होगा। क्या लगता है योगी कितने नंबर देंगे रोजगार के मामले में, क्योंकि थोड़ा गुस्सा लग रहा है रोजगार नहीं हो रहा है? रोजगार इसलिए कि ये कोविड-19 के चक्कर में 2 साल इनका गैप हुआ है, लेकिन इन्हों को रोजगार निकालना चाहिए, जैसे 6 महीना ये साल भर में बच्चों को ये जैसे हम लोग तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके ये है कि जैसे साल में ये एक निकालते रहें तो तुरंत अच्छा पेपर देंगे तो तुरंत दूसरे में परीक्षा देने लगे। अब तो नया जुड़ गया रोजगार में, पहले होता था प्री अधिकारी होते हैं वही लीक करते हैं, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हाँ इस सरकार में जो अधिकारी लोग वही करप्शन कर रहे हैं, कुछ सरकार नहीं कर रहा। देखिए योगी जी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन युवा बता रहे नहीं है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। भैया बताइए
आप इन सबसे तो खैर उम्र दराज है, आपने कई सरकारें भी देखी हुई, फिर सपा का शासन काल भी देखा था, युवा सब रोजगार की वोट करने के जा रहा है। आपके अनुसार रोजगार के इतर कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिन पर 2022 में जाके चुनाव में बटन दबाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं को भी खतरा है। अच्छा, भाजपा? भाजपा नहीं, भ्रष्टाचार। इस पर भाजपा सरकार ने रोक लगाने का मैं कहूँगा प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुई। जितने प्रयास करना चाह रहे थे भ्रष्टाचार पर रोक लगे, क्योंकि अभी आपने बहुत ताजा एक उदाहरण दे सकते हैं, टेट का पेपर लीक हुआ है। लीक हुआ इस तरह से कई पेपर लगातार लीक होते रहे, तो उस पर मतलब एक प्रभावी तरीके से रोक लगनी चाहिए। हम लोग ओवर एज हो जाते हैं, बच्चा तैयारी करता है, साल क्या किया है आपने? यूजीसी नेट क्वालिफाइड है हिस्ट्री सब्जेक्ट। अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 साल में कोई मौका नहीं मिला आपको? एक मौका मिला है, अभी 28 नवम्बर को एग्जाम हुआ था, पेपर ठीक हुआ है, देखो उसका रिजल्ट। 5 साल से एक मौका मिला? एक मौका मिला है। ये आक्रोश है आपका? मतलब भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। हम एक एग्जाम दें लेकिन उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, हम अपनी मेहनत का रिजल्ट चाहते हैं। अच्छा, हम किसी से नहीं उम्मीद रखते हैं कि हमको कोई मुफ्त में चीज दे दे, लेकिन भ्रष्टाचार पर, क्राइम पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें आप किसी को सस्पेंड कर देते हो, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाता है, ये क्या बात है? बहुत भरा है आपके अंदर आक्रोश है, क्योंकि 5 साल में उन्हें सिर्फ एक मौका मिला है और अभी पिछले महीने ही मिला है। हमारी शुभकामना है आपके साथ कि आप उसमें पास हो और जल्दी आप अपने फ्यूचर को संवारें। आगे बढ़ते हैं, एकदम ये भी हमारे साथ युवा है, आपके लिए भी रोजगारी मुद्दा है जी, या उनकी तरह मंदिर? मंदिर नहीं है, मंदिर से कोई बंदे फायदा नहीं क्या? कोई फायदा नहीं, पूजा पाठ शिलान्यास सब चल रहा है, फालतू में चल रहा है। आस्था दिल से होनी चाहिए। अच्छा, आस्था दिल से होनी चाहिए, दिखावटे की नहीं होनी चाहिए। कितने लोग, अच्छा बनारस में जो कॉरिडोर बना है उससे सहमत है कि ठीक है भाई बहुत अच्छा काम हुआ था वहाँ पे, आप लोग सहमत है? कोई फायदा है आपको बनारस कॉरिडोर से? बनारस कॉरिडोर से हम पूरी तरह सहमत हैं, इसका विकास होना चाहिए, बल्कि इससे पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है हमारे देश में कि भव्य मंदिरों को तोड़ा गया, जैसे सोमनाथ का मंदिर है बनारस में, विश्वनाथ का मंदिर है, और आप अयोध्या का मंदिर भी उससे जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी विरासतें हैं, हम यदि आज इनको ठीक नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी, हमारे संस्कारों को कैसे याद रखेंगे? तो मतलब अब अगला जो मुद्दा होना चाहिए आपके लिए मथुरा वाला हो जाना चाहिए? मथुरा वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए, उसको कानूनी रूप से हमें हैंडल करना है। अयोध्या भी तो कानूनी रूप से हैंडल, मथुरा वाला मुद्दा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए आपके अनुसार भी? मथुरा का मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पक्का? नहीं, इनके साथ में बोल रहा हूँ कि डर के बोल रहा हूँ? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोल नहीं रहे हैं, आक्रोश ये रखता है कि नहीं ठीक है सरकार के खिलाफ है, योगी जी के भी खिलाफ है, सबके खिलाफ है, लेकिन वो बोल नहीं रहे, किसी के मुंह पे नहीं बोल रहे, पता नहीं कौन सी गाज गिर जाए आके। तो भैया मुद्दा, तुम तो छोटे ही हो, खैर तुम तो वोट भी नहीं है तुम्हारे पास, मुद्दा होना चाहिए मंदिर का? कहाँ से सुनते हो कि मंदिर का मुद्दा हो जाना चाहिए? टीवी में देखते हो कि पेपर में देखते हो? कहाँ से सब पता चलता है? सोशल मीडिया पे, ये सब सोशल मीडिया की चीजें आती हैं आपके पास घूम घूम के। तो देखिए सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल है, आपके अनुसार कहाँ से आपको पता चला कि मथुरा का मुद्दा होना चाहिए? टीवी की सोशल मीडिया, बहस देखते हो सोशल मीडिया पे? रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर होती है कुछ? बिल्कुल होती है। कौन चैनल करता है फिर? चैनल तो सब आपने देखी कभी कोई बहस शिक्षा रोजगार को लेके या विकास को लेके? कोई बहस रोजगार के लिए कोई बहस कोई नहीं करते? तो मथुरा राम मंदिर कॉरिडोर सब कहाँ से पता चलता है? टीवी से पता चलता है आप लोग? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें हैं जो आती रहती हैं और लोगों को पता होती रहती हैं। आप भी बैठे हैं एकदम हस्त पुष्ट बढ़िया से, अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, युवा है आप, क्या सोच के आप बटन दबाए के जाके कि नहीं ये मुद्दा होना चाहिए तो हम वहाँ को सरकार को चुनेंगे? जो नए युवा पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, मंदिर मुद्दा तो मंदिर चलता रहता है, रोजगार मंदिर से रोजगार, अरे एक मिनट शांत हो जाओ, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा अगर
मंदिर की जगह अगर वो कुछ बना दिया जाए तो उससे न जाने कितने लोग न युवा को रोजगार मिल सकता है। वो क्या बना दिया, अस्पताल बना देते? अरे हॉस्पिटल बना देते, जैसे कोविड वाला मामला चला भी, अगर कोई हॉस्पिटल बड़ा बना होता तो ये सारी समस्या किसी की आस्था को खत्म कर दिया जाए। आस्था अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। जैसे आस्था, जैसे राहुल जी ने बताया कि आस्था से मानव आस्था और भी चीजें। अच्छा ठीक है, रोजगार के मामले में या विकास के मामले का आप योगी सरकार को, भैया थोड़ा सा शांत हो जाओगे, वोट है नहीं आपका इसलिए आप लोग थोड़ा सा मस्ती में हो, जब वोट आ जाएगा दे लोगे तो इसके बाद सरकार चुन लोगे अपने तो सही रहेगा। देखो क्वेश्चन बुलवा दिया ना। अब ये कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे योगी सरकार को कितना अच्छा आंक रहे, खुल के बताइएगा। देखिए सरकार जो काम करेगी हम उसके साथ हैं, ये जो काम करेगी पॉलिटिशियन हो गया भाई। सरकार जो काम करेगी हम उसके साथ। चलिए हम रोजगार पे बात कर रहे थे, सारे युवाओं से बात कर रहे थे, बात एक ही निकल के आ रही है कि हमारे जो मुद्दा होना चाहिए वो रोजगार होना चाहिए। आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, किसका किसका पहला वोट है अभी? आप लोग पहला वोट है, इससे पहले वोट डाल चुके हो, काफी लोग डाल चुके हो। अखिलेश कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत रोजगार दिया, और योगी सरकार ने ऐसा कोई विकास और रोजगार नहीं दिया। ज्यादातर युवाओं को खुद का भी कहना है, आपका भी कहना था कि हमें ज्यादा अवसर प्राप्त ही नहीं हुए रोजगार के। रोजगार के अवसर तो प्राप्त जो हुए उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है मुद्दा, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हाँ, तो कोई जिम्मेदारी भ्रष्टाचार के लिए सरकार, इससे पहले वाली सरकार से इसमें भ्रष्टाचार कम हुआ है। वैकेंसियां किसमें ज्यादा हुई? वैकेंसियां सरकार, इससे पहले मायावती जी की भी सरकार थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार उनकी सरकार में, सपा सरकार में, भाजपा सरकार में किसमें ज्यादा मिला लोगों को? आप आपस में परिवार में सबके साथ होगा ना कोई, क्या लगता है आपको किसी सरकार में ज्यादा रोजगार था? रोजगार तो योगी सरकार में भी सबसे ज्यादा रहा है, योगी सरकार में। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है कब किसके सरकार में ज्यादा रहा? साढ़े चार लाख वैकेंसी बढ़ी गई है पूरी सपा सरकार में, ज्यादा रहा विकास कार्य। लेकिन रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं सपा के लोग ज्यादा आंक रहे, लेकिन विकास के मामले में योगी सरकार को आप लगभग उनसे ज्यादा नंबर देते हैं। यहाँ कहीं मायावती कांग्रेस नहीं ठहर रही क्या? कौन कौन सी? यही दो पार्टी भाजपा और सपा है, लेकिन बसपा और कांग्रेस कोई भी यहाँ जान नहीं रहा, आप ही नहीं जानते। तो सीधे सीधे युवाओं का ये कहना है कि हम कांग्रेस को भी नहीं जानते हैं, बसपा को भी नहीं जानते, इसका मतलब सीधा है कि 2022 में जो क्लैश होने वाला है वो भाजपा और सपा में होने वाला है। युवा रोजगार पे वोट करने वाला है, मंदिर इसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ सभी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अगर मथुरा की बात हो जाती है तो फिर से एक बार भाजपा को वोट देने जाएंगे। तो खैर, योगी सरकार से काफी खुश हैं, आप शायद नया खुश थे क्योंकि रोजगार नहीं मिला था इनको, उन्होंने 10 में से 3 ही अंक दिए हैं। तो ऐसे और डिबेट्स के लिए, खबरों के लिए और जनता को नब्ज को टटोलने के लिए बने रहे कभी न्यूज के साथ। नमस्कार।